जय हिंद दोस्तों, मैं उदय फौजी रिटायर्ड। आज का स्पेशल है टीए आर्मी भर्ती की जानकारी देना। तो आपको मैं आपको बता देना चाहता हूं, मैं वीडियो ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, आपको बताना चाहता हूं बहुत ही खबर है कि टीए आर्मी की जो भर्ती है वही मैं बोलूंगा आपके अंदर मार्च के महीने के अंदर, और आपको कोई नोटिफिकेशन पक्का मिलेगा। और अप्रैल में भर्ती, अप्रैल में तकरीबन बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने तकरीबन ये कंफर्म, जो हमारे तकरीबन जो हमारे फौजी भाई हैं जो यूट्यूब चैनल चलाते हैं और जो खबर देते हैं आर्मी भर्ती के बारे में, तो उन्हीं में से कई चैनलों ने भी ये खबर दे दी है कि अप्रैल के अंदर भर्ती आ रही है। और साथ में ही हमारे अम्बाला के अंदर हमारे कर्नल साहब हैं, उन्होंने भी अपने चैनल के माध्यम से उन्होंने बता दिया कि अप्रैल में भर्ती आ रही है। बिल्कुल सही खबर है, भर्ती बहुत ही जल्दी आपकी तैयारी चल रही है। जो बच्चे निराश थे भर्ती के कारण, जो टी आर्मी की भर्ती तैयारी कर रहे थे, और बहुत बच्चे निराश थे कि भर्ती नहीं आएगी, कोई बच्चे बंद हो रही है बहुत बच्चे, तो आप बिल्कुल अपनी तैयारी रखें। और बिल्कुल अब भर्ती के अंदर कुछ चेंजिंग आएगी, ये भी मैं कंफर्म है। तो जो मैं पहले हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि टीए भर्ती के अंदर कुछ चेंजिंग आएगी, जब भी कोई चेंजिंग आएगी आपको उदय फौजी चैनल के माध्यम से आपको पता पड़ जाएगा। तो आप अपनी तैयारी स्टार्ट रखें, बिल्कुल निराश ना हो। अप्रैल मार्च या अप्रैल के मार्च के अंदर भी आपके पास खबर मिल जाएगी, तारीख आपको मिल जाएगी, तो बिल्कुल अप्रैल के अंदर भी आपको भर्ती बिल्कुल आपको मिलेगी। हाँ, अभी कोई लिखित नोटिफिकेशन नहीं आया है तो आप बिल्कुल ऐसा मत ना समझे, बिल्कुल लिखित नोटिफिकेशन डेट फिक्स हो गई है, फिक्स नहीं है, लेकिन लगभग तैयारी हो चुकी है और तकरीबन भर्ती बहुत ही जल्दी आपको भर्ती मिलेगी। हाँ, जरूरी है कि भर्ती देने आप जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अपना जिस प्रकार से अग्निवीर के अंदर अग्निवीर 2 की जो तैयारी चल रही है, डीजी लॉकर के अंदर सारे डॉक्यूमेंट्स को इकट्ठा करना, मार्कशीट के अंदर और आधार कार्ड के अंदर आपका नाम का जो चेंजिंग है वो एक करना, साथ में मोबाइल नंबर को आधार कार्ड से लिंक करना, ये सारे काम आप करके रखना कि हो सकता है जो टीए आर्मी भर्ती आपने 3-3.5 साल पहले देखी थी उसमें और आज की जो भर्ती आने वाली में वो चेंजिंग पक्का आएगी। तो इसलिए उस चेंजिंग से आपको तैयार रहना है, क्यों तकरीबन टीए और आर्मी में कोई फर्क नहीं है। जो चैनल बोलते हैं कि टीए आर्मी ये काम करती वो काम करती, बिल्कुल टीए आर्मी बिल्कुल आर्मी की तरह उनका रोल होता है। तो इसलिए तो भर्ती के अंदर भी ऐसा ही होगा कि तकरीबन क्या है वही अग्निवीर की तरह हो सकता है ऐसा। इसलिए आप अपने डॉक्यूमेंट्स को जिस प्रकार से अग्निवीर की जो भर्ती देख रहे हैं बच्चे तैयार कर रहे हैं, उसी प्रकार से जो मैं अपने पिछले वीडियो में मैं बताया था कि जिस प्रकार से उसी प्रकार से अपने अपने डॉक्यूमेंट्स को तैयार कर लें, आधार कार्ड पे के अंदर अपना मोबाइल नंबर लिंक पक्का रखें, ये आपको अभी मैं बोल रहा हूँ। और भी कोई जानकारी होगी तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से, चैनल के माध्यम से मैं आपको पक्का बताऊंगा। जय हिंद दोस्तों, भारत माता की जय।